हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। TGT नई शिक्षक भर्ती की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। परमानेंट सरकारी नौकरी रहेगी, गवर्नमेंट की तरफ से पे स्केल जो है यहाँ पर मिलने वाली है। लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी 60,000 पर मंथ। बहुत सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है, तो चलिए देख लेते हैं ये वैकेंसी किस राज्य की है, कौन कौन आवेदन कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को सब्जेक्ट दिखा देती हूँ। ये जो वैकेंसी है वो बिल्कुल परमानेंट सरकारी नौकरी है। सबसे पहले जो है सब्जेक्ट देखें, नेम ऑफ पोस्ट DPE। यहाँ पर कुल पदों की संख्या जो है 35 है। इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो 14 वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद जो है फाइन आर्ट की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 54 वैकेंसी है। हिंदी में 17 है, होम साइंस में 19 है, मैथ्स में 8 वैकेंसी, म्यूजिक में 15 वैकेंसी है। उसके बाद पंजाबी सब्जेक्ट देखें तो 19 वैकेंसी है। संस्कृत में पदों की संख्या 24 है, साइंस मेडिकल 26, नॉन मेडिकल में 48, सोशल स्टडीज़ की 24 वैकेंसी है। कुल मिलाकर यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर जो वैकेंसी आई है तो 303 यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें जनरल SC OBC EWS कैटेगरी वाइज जो है इन्हें बांटा गया है। तो यहाँ पर पे स्केल की अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को थंबनेल में बता ही दिया है, लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहेगी। TGT मास्टर्स एंड मिस्ट्रेस की पोस्ट है और ये वैकेंसी आई है एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट आप देख लें, 26 फरवरी 2024 से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, 18 मार्च 2024 तक चलेंगे। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। जनरल साइंस नॉन मेडिकल के लिए ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में, प्लस बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री BEd होना चाहिए और CTET पेपर 2 क्वालिफाई जरूरी है। तो CTET पेपर 2 यहाँ पर मांगा गया है। जनरल साइंस मेडिकल के लिए ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट, जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री, प्लस BEd प्लस CTET पेपर 2। सोशल साइंस में आप देखें ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में। इसके अलावा जो है काफ़ी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि सोशल साइंस में जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कई स्टूडेंट्स का नहीं हो पाता है, जिस वजह से फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सभी सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड एंड साइकोलॉजी। तो इनमें से 2 सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में हो, BEd होना चाहिए और CTET पेपर 2 क्वालिफाई मांगा गया है। मैथ्स के लिए कहा है ग्रेजुएशन के साथ में BEd प्लस CTET पेपर 2। तो यहाँ पर STET नहीं कहा गया है, CTET आपका मांगा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, पंजाबी के लिए, संस्कृत के लिए इसी तरीके से क्वालिफिकेशन रहेगी। फिजिकल एजुकेशन टीचर DPE ग्रेजुएशन और साथ में VPED या DPED आपका होना चाहिए, और ग्रेजुएशन BPED में भी जो है 50% मार्क्स आपके मांगे गए हैं। फाइन आर्ट के लिए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट डिग्री या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई योग्यता है तो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। होम साइंस के लिए BSc होम साइंस से BEd चाहिए, ठीक है, CTET नहीं, केवल BSc प्लस BEd। म्यूजिक के लिए ग्रेजुएशन प्लस BEd मांगा गया है। अब देख लेते हैं सिलेक्शन कैसे रहेगा। सिलेक्शन जो है आपका एक एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स रहेंगे। पार्ट ए 50 मिनट इन सिंगल शिफ्ट, पार्ट बी 100 मिनट। क्या पूछा जाएगा पार्ट ए में? यहां पर आपका जनरल अवेयरेंस यानी GK वगैरह आपकी रहेगी, रीजनिंग मैथ्स आपकी रहेगी जिसमें 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से जो है 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पैडागॉजी के 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो है 14 क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी लैंग्वेज के रहेंगे, जिसमें से इन्होंने ये भी बता दिया है कि इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, हिंदी के 5 क्वेश्चन और पंजाबी के 4 क्वेश्चन। तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए केवल ये 4 क्वेश्चन जो है वो मुश्किल रहेंगे पंजाबी के, बाकी और सब्जेक्ट में जो है आप लोग ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं जिससे कि आप इसकी पूर्ति कर सकें। पार्ट बी जो है जो कि 100 मार्क्स का रहेगा और ये आपके सब्जेक्ट का रहेगा,
ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पार्ट ए जो है वो सभी के लिए कॉमन रहेगा, पार्ट बी जो है वो आपका सब्जेक्ट का रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पार्ट, ए और बी दोनों के लिए अलग अलग जो है आपको 40% मार्क्स, यानी हर पार्ट के लिए आपको 40% मार्क्स जो लाने ही होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी जो है यहाँ पर रहने वाली है। तो ये जो है मैंने आप लोगों को बता दिया, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो कैसे रहेगा और भी आप देख लेंगे। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो उम्र है 21 से 37 वर्ष यहाँ कही गई है। एज रिलैक्सेशन जो है एससी, ओबीसी, एक्स सर्विस मैन, पीडब्ल्यूडी एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आयु सीमा में छूट बिल्कुल यहाँ पर दी जाएगी। और भी जो है यहाँ पर जैसे कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, गेस्ट टीचर हैं, समग्र शिक्षा टीचर्स हैं, या फिर गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं चंडीगढ़ के, तो उनकी भी जो है आयु सीमा में छूट मिलेगी। एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है यहाँ पर, 1000 रुपीज जो है एप्लीकेशन फीस रहेगी, एससी कैटेगरी की 500 रहेगी। ठीक है, केवल एससी कैटेगरी की 500 है, बाकी सभी के लिए 1000 रुपीज है। नॉन रिफंडेबल, वापस नहीं होगी, तो बिल्कुल सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करिएगा। दोबारा से जो है डेट दे दी है, ऑनलाइन फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 26 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट डेट 18 मार्च रहने वाली है। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन जो कि 7 पेजेस का था। अब चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन मेन वेबसाइट है ये, और यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपको दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर लेक्चरर पीजीटी के लिए वैकेंसी आई थी, बिल्कुल आप लोगों को मैंने बताई थी। स्पेशल एजुकेटर की आई, उसके बाद एनटीटी टीचर्स की आई, जेबीटी टीचर्स की आई। तो ये सभी नोटिफिकेशन जैसे ही जारी किए गए हैं, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचना समय पर दी गई है। लास्ट डेट जो है वो आप देख लें, अगर इनकी लास्ट डेट नहीं निकली है और अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो जरूर करें। और सबसे ऊपर है फॉर एनी नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ टीजीटी मास्टर एंड मिस्ट्रेस, तो 9 फरवरी को ये नया विज्ञापन जारी किया गया है। तो ये बिल्कुल सरकारी नौकरी है और 60,000 तक सैलरी जो है आप लोगों की यहाँ पर गवर्नमेंट की जो पे स्केल है आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। और जैसे ही आवेदन स्टार्ट होंगे तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दोबारा से सूचना दी जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।